हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सीए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। सो हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल का मतलब हमें साइकिल से ही समझ में आता है। साइकिल का मतलब कोई भी अगर साइकिल होती है, सपोज जैसे हमने वाटर साइकिल किया था, सो उसमें क्या था कि एक पॉइंट से एक चीज़ स्टार्ट हो रही है, घूम फिर के वापस से वही पॉइंट पर आ रही है, राइट। सेम चीज़ हम ट्रेड साइकिल में देखेंगे। ट्रेड साइकिल किसके रिलेटेड है? ट्रेड में, कि ट्रेड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वापस से पूरा घूम फिर के वो वहीं पर आ रहा है। सो ये बेसिकली हमें क्या बताता है, जो भी चेंजेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हो इन द लाइफ ऑफ ह्यूमंस, राइट, उन सारे चेंजेस को कहा जाता है ट्रेड साइकिल। ऑल द डायनेमिक चेंजेस रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे ह्यूमन लाइफ गोज थ्रू द चेंजेस, सो वो हो गए। जैसे ह्यूमन लाइफ के अंदर बहुत सारे अलग अलग चेंजेस होते हैं, वैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर अलग अलग चेंजेस होते हैं। सो ये चेंजेस चार में डिवाइडेड है: इरेगुलर चेंज, सीजनल चेंज, लॉन्ग रन ट्रेंड, लॉन्ग रन डायनेमिक चेंज। सो ये चारों ट्रेंड है जो कि ट्रेड साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इरेगुलर चेंज। इरेगुलर चेंज वर्ड सेज इरेगुलर, मतलब यहाँ के जो चेंजेस हैं वो रेगुलर नहीं होते। और ऐसी कौन सी चीज़ें जो रेगुलर नहीं होती? दीज आर एक्सीडेंट्स। कोई भी एक्सीडेंटल चेंज इन ट्रेड, कोई भी एक्सीडेंटल चेंज इन ट्रेड को कहा जाता है इरेगुलर चेंज। फॉर एग्जांपल फ्लड, फ्लड की वजह से ट्रेडिंग में चेंजेस होता है, फेमाइन, स्टॉर्म, फायर एंड सो ऑन। सो ये सारे एक्सीडेंट की वजह से जो चेंजेस होते हैं ट्रेड में, उसे कहा जाता है इरेगुलर चेंज। और जनरली ये जो चेंजेस होते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत ही शॉर्ट रन के लिए होते हैं, और समटाइम्स हो सकता है लॉन्ग रन के लिए भी हो, लेकिन जनरली ये चेंजेस शॉर्ट रन ही होते हैं। नेक्स्ट कम टू सीजनल चेंज। सीजनल चेंज अगेन वर्ड सेज सीजन, जो सीजन की वजह से चेंजेस आते हैं उन्हें कहा जाता है सीजनल चेंज। और ये जो चेंजेस है वो रेगुलरली अकर होते हैं, क्योंकि हमें पता है सीजन जो है वो तो रेगुलरली आएंगे, राइट। सो कुछ गुड्स की डिमांड एक पर्टिकुलर सीजन में ज़्यादा हो जाती है, और वहीं कुछ गुड्स की डिमांड एक पर्टिकुलर सीजन में एकदम से कम हो जाती है, राइट। देन कम्स टू लॉन्ग रन रेगुलर चेंज। सीजनल चेंज भी अब जो है वो शॉर्ट टर्म है, मतलब अगर 3 मंथ्स का है तो 3 मंथ्स ही रहेगा, सो वो 3 मंथ्स ही पर्टिकुलर रहता है। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो लॉन्ग रन के लिए रहते हैं और वो होते हैं रेगुलर, राइट। सो इन सारे चेंजेस को कहा जाता है लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस। सम चेंजेस अकर इन द गिवन डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंड, दीज आर डायरेक्शनल चेंज विच अकर इन एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल सम रेगुलर सेल ट्रेंड। सो यहाँ पे कुछ ऐसी रेगुलर सेल ट्रेंड होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है, तो सारे जो लोग हैं वो उसी डायरेक्शन में, उसी ट्रेंड में परचेज करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम पे साड़ीज़ का जो सेल हुआ करती थी वो बहुत एक्सट्रीम में होती थी, लेकिन अब वही जो साड़ी की सेल है वो कहाँ पे चेंज हो गई, कौन से डायरेक्शन में आ गई? सूट, कुर्ती। दो साड़ीज़ की सेल अभी भी है, लेकिन ये जो सेल है वो शिफ्ट हो गई, वो ट्रेंड चेंज हो गया, और अब वो ट्रेंड आ गया कुर्तीज़ पे, राइट। सो ऐसे चेंजेस को कहा जाता है लॉन्ग रन रेगुलर चेंज। देन कम टू साइक्लिक चेंज। साइक्लिक चेंज होते हैं कुछ फ्लक्चुएशन जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। डायनामिक फ्लक्चुएशन अराइजिंग इन इकोनॉमी ओवर इट्स लॉन्ग रन ग्रोथ लीडिंग टू राइज इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड फॉल आर कॉल्ड द ट्रेड साइकिल। द राइज एंड द फॉल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज साइक्लिक चेंज। सो यहाँ पर ऐसा बोला गया है, अगेन ये जो है वो लॉन्ग रन में है। अगर कुछ राइज है, सपोज लॉन्ग रन ग्रोथ है, तो वो एकदम से लॉन्ग रन के लिए ग्रोथ होता जाएगा, लेकिन कभी कोई रीज़न के वजह से वो ग्रोथ में डाउनवर्ड चली गई, मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो लॉन्ग रन के लिए ग्रोथ नहीं रहेगी। और ऐसे चेंजेस को कहा जाता है साइक्लिक चेंज। डेफिनेशन ऑफ ट्रेड साइकिल अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स। सो फर्स्ट, ट्रेड साइकिल इज एन इंटरवल दैट एम्ब्रेसेस द अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। मतलब ट्रेड साइकिल की वजह से कुछ टाइम पे, कुछ अलग अलग पीरियड्स पे कभी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी रहती है और कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी देखने को मिलता है।
दूसरा डेफिनेशन है ट्रेड साइकिल आर कंटिन्यूस फेज ऑफ गुड एंड बैड चेंजेस. अगेन यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ट्रेड साइकिल कंटिन्यूस चेंज होता है, कभी गुड चेंजेस आते हैं तो कभी बैड चेंजेस आते हैं. ये जो अभी हमने देखे थे वो फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस थे ऑफ ट्रेड साइकिल. अब हम देखते हैं फेज ऑफ ट्रेड साइकिल कि सपोज कोई भी एक ट्रेड साइकिल चल रहा है, सपोज इरेगुलर चेंज है या सीजनल चेंज है, तो उनके फेज क्या रहेंगे. सो फर्स्ट बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी. कोई भी एक ट्रेड साइकिल है, अगर रेगुलर है, इरेगुलर है, सीजनल है या फिर साइक्लिक है, इन चारों में से कोई भी एक ट्रेड साइकिल रहेगा उनका एक फेज़ होता है. हर कंपनी का जिस तरीके से फेज़ होता है, हमें पता है कि इनिशियली कंपनी ग्रो करती है, एक टाइम आता है जब कंपनी बहुत ज़्यादा हाइट पे होती है, बहुत ज़्यादा बूम पीरियड पे होती है, बहुत सेल हो रही होती है, फिर उस टाइम के बाद कंपनी को थोड़ा सा कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट कम होने लग जाता है और धीरे 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 करके वो एकदम ग्रोथ कम हो जाता है और फाइनली कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से कंपनी वापस से रिकवरी करना शुरू करती है. सो ये जो फेज़ है इसी को बोला जाता है फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल. सो फर्स्ट देखते हैं बूम. दिस इज़ अ पीरियड व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी रीचेज मैक्सिमम ग्रोथ लेवल इन द गिवन टाइम पीरियड. डिमांड हैव पीक्ड एंड सो हैव इनकम एंड प्रॉफिट. जैसा कि अभी हमने ये ग्राफ बनाया, ये जो पीरियड है जहाँ पर ग्राफ सबसे ज़्यादा होता है, ये वाला पीरियड, इस पीरियड को कहा जाता है बूम पीरियड, जहाँ पर प्रॉफिट, इनकम और डिमांड सबसे ज़्यादा होती है. देन कम्स टू रिसेशन. सो ये वाला फेज हो गया हमारा बूम पीरियड. देन रिसेशन. रिसेशन व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी पीक इन द गिवन पीरियड एंड इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयड हैव रीच द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, अ स्लो डाउन अकर. जैसा कि यहाँ पे हम बाद में देख रहे हैं कि ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कि डिमांड भी अब कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है. सो इस फेज में इनकम, प्रॉफिट, डिमांड सब धीरे 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 करके कम होना स्टार्ट हो जाता है. एंड देन कम्स टू रिसेशन, डिप्रेशन. डिप्रेशन कब आता है? अगर रिसेशन फेज काफ़ी टाइम के लिए कंटिन्यू रहा, काफ़ी लंबे समय तक रहा, तो आता है हमारा डिप्रेशन फेज. द कॉन्फिडेंस ऑफ बायर, प्रोड्यूसर एंड इन्वेस्टर इन द इकोनॉमिक इज एट द लोएस्ट. सो यहाँ पर ये वाला जो फेज है जहाँ पर ग्राफ सबसे नीचे की तरफ है, वो हो गया हमारा डिप्रेशन, जहाँ पर जो भी हमारे बायर, प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर्स होते हैं सब कंपनी के अंदर से होप छोड़ देते हैं, जहाँ पर इनकम, एम्प्लॉयमेंट, डिमांड सब एकदम से कम हो जाती है. विद द फॉल इन द डिमांड, प्रोडक्शन फॉल. अब क्योंकि डिमांड नहीं हो रही तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा, और जिसकी वजह से वापस डिमांड और कम होती ही जाती है. एंड देन कम्स टू रिकवरी. रिकवरी फेज में हमारी जो कंपनी है वो धीरे धीरे करके ग्रो ना स्टार्ट होती है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, क्योंकि जनरली जब कंपनी, सारी कंपनीज डिप्रेशन फेस करती है तो गवर्नमेंट को पिक्चर में आना पड़ता है. गवर्नमेंट आके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है ताकि ये सारी कंपनी रिवाइव कर सके, ताकि सारी कंपनी रिकवर कर सके. इसीलिए डिप्रेशन के टाइम पे गवर्नमेंट आती है और इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है उन चीज़ों को बूम करने के लिए, डिमांड को बूम करने के लिए, या फिर कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे जिसकी वजह से डिमांड, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. सो ये जो हमारे फेज़ हुआ, ये हो गया हमारा ट्रेड साइकिल, फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल. द टाइप ऑफ साइकिल अकर इन ऑल इकोनॉमिक एंड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन लॉन्ग रन. हाउएवर इन मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी दीज अकर मोर ओपनली व्हाइल दे मे बी सप्रेस्ड बाय द स्टेट इन द स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमिक्स. तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो साइकिल है, ये जो फेजेस है, वो सारी इकोनॉमीज़ में आती है, सारी इकोनॉमीज़ को ये देखना पड़ता है, लेकिन जो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स होती, इकोनॉमी होती है, उन्हें ये बहुत ज़्यादा ओपनली अकर होता है. और जो स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमीज़ होती है, वहाँ पर स्टेट जनरली जल्दी पिक्चर में आ जाता है, जल्दी साइकिल में आ जाता है और इन्वेस्टमेंट करके सारी कंपनीज़ को रिकवर कर लेता है. सो यहाँ पर वी एंड अप विद आवर चैप्टर. Complete reading this chapter thoroughly.